केजीएमयू प्रशासन के सामने इस समय दोहरा धर्म संकट आ गया है। केजीएमयू में पीजी स्टूडेंट और कर्मचारियों के बीच मारपीट के बाद एक तरफ जहां कर्मचारियों ने स्टूडेंट्स पर कार्रवाई की मांग को लेकर 8 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीजी स्टूडेंट्स के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा है। केजीएमयू प्रशासन इस समय दोहरे धर्म संकट में फंस गया है। दरअसल केजीएमयू के पैथोलॉजी में जांच कराने को लेकर पैथोलॉजी कर्मचारी और पीजी स्टूडेंट के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब पीजी स्टूडेंट और आरडीए ने पत्र लिखकर केजीएमयू प्रशासन से कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पूरे इंसिडेंट्स में जो लोग भी कल्प्रिट हैं उन सभी के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को और अगर ज़रूरत पड़े तो हायर अथॉरिटी को इसका कॉग्निजेंस लेकर के कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। और इस लेटर के बाद फिर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के इस लेटर को हम लोगों ने आरडीए के जो हम लोग हैं सारे पदाधिकारियों ने एक मीटिंग की और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि इस लेटर के बाद हम अपना एक सपोर्ट लेटर जारी करेंगे और उसके बाद हमने उस लेटर में भी सेम चीज़ें डिमांड की हैं, जिसमें हमने ये चीज़ कही है कि ट्रॉमा सेंटर में जितनी भी चीज़ें हुई, जो उत्पात हुआ है, उन सभी उपद्रवियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर या जो भी हमारे पास एविडेंसेज हैं उन सभी के आधार पर उन सबके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। बता दें कि केजीएमयू कर्मचारी परिषद के सदस्यों ने पीजी स्टूडेंट के निलंबन की मांग को लेकर केजीएमयू परिसर, बीसी ऑफिस, कलाम सेंटर और ट्रॉमा सेंटर में 8 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया है और 4 घंटे तक ट्रॉमा सेंटर को अपने कब्जे में लेकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की है, जिसकी वजह से इलाज के अभाव के चलते 1.5 साल की एक बच्ची समेत करीब 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं शाम को करीब 6 बजे केजीएमयू प्रशासन की तरफ से अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और बाकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन को खत्म किया था। वहीं पीजी स्टूडेंट और आरडीए की तरफ से केजीएमयू प्रशासन को लिखे गए पत्र में कर्मचारी परिषद का कहना है कि अगर केजीएमयू प्रशासन इस पत्र को लेकर कर्मचारियों पर कोई भी कार्रवाई करता है तो कर्मचारी परिषद फिर से इसके खिलाफ सख्त विरोध करेगा। आरडीए की अगर मांग पर किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए हमें आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ेगी। समस्त संगठन जो उत्तर प्रदेश के हमारे साथ हैं समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन अभी भी हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमारे विश्वविद्यालय पर कोई असर पड़े। लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है किसी कर्मचारी का मान सम्मान मारपीट गाली गलौज अगर उसके साथ होगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर शासन ने भी केजीएमयू से रिपोर्ट तलब की है, जिस पर केजीएमयू प्रशासन ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मामले से अवगत करवाया। पत्र के मुताबिक जिस छात्र ने मारपीट की उसने बीते मार्च में ही अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली और उसका निलंबन नहीं किया जा सकता। केजीएमयू प्रशासन ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सभी बिंदुओं पर जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। वहीं केजीएमयू के कुल सचिव ने बताया कि पूरे मामले की फिर से जांच कराई जा रही है और प्रॉक्टर की भूमिका की भी जांच हो रही है। घटनाक्रम से अवगत कराने के संदर्भ में कुलानुशासक ने एक रिपोर्ट अपनी दी थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर यहां से जो कल सुबह से शाम तक की जो भी कार्रवाई हुई उसके संदर्भ में प्रमुख सचिव साहब को अवगत कराया गया है। वस्तु स्थिति से अवगत कराने के संदर्भ में वो रिपोर्ट यहाँ से प्रेषित की गई। केजीएमयू में कर्मचारी परिषद की तरफ से किए गए हाई वोल्टेज ड्रामे और पीजी स्टूडेंट की तरफ से कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग के बाद अब सवाल ये है कि आखिर केजीएमयू प्रशासन इस धर्म संकट से कैसे निपटता है। केजीएमयू प्रशासन इस समय दोहरे धर्म संकट में फंसा हुआ है। स्टूडेंट्स और कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट के बाद एक तरफ जहां कर्मचारियों ने डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर 8 घंटे तक हाई वोल्टेज हंगामा किया, तो वहीं अब स्टूडेंट्स ने भी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर केजीएमयू प्रशासन को पत्र लिखा है। अब ऐसे में देखना होगा कि केजीएमयू प्रशासन अपने आप को इस दोहरे धर्म संकट से कैसे निकालता है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ प्रियम पाठक, नेशनल वॉइस।